इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है। हम किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इस वीडियो में बोले गए शब्द या वाक्य पूर्ण रूप से काल्पनिक है तथा किसी जिंदा या मृत व्यक्ति से कोई भी ताल्लुक महज एक इत्तफाक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया रिव्यू लेके आए हैं। हमेशा की तरह हम लोग चीजों को अनबॉक्स करते थे, आज हम लोग एक मूवी को अनबॉक्स करेंगे। मूवी को अनबॉक्स नहीं करेंगे, मूवी का रिव्यू देने वाले हैं हम लोग। सेम थिंग। आज हम आपके सामने वीराना मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नोटिस नहीं करी होंगी, और वो बातें फनी हैं, अजीब हैं और कुछ ऑकवर्ड भी हैं। और आज हम वही कुछ बातें बताने जा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीराना को एक नए नजरिए से देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। चलिए आइए हम लोग उसकी कुछ अजीब अजीब बातें दिखाते हैं आपको, और आप खुद भी वो चीजें दोबारा जब मूवी देखेंगे तो खुद भी आप वो चीजें नोटिस करने लगेंगे, और वो मूवी आपको फिर डरावनी लगने के बजाय कॉमेडियन मूवी लगने लगेगी। चलिए आइए। फिल्म की शुरुआत यहाँ से होती है कि गुफा में पिंजरे में एक लड़का बंद है और वो नंगा होता है, और हमें तो ये समझ नहीं आता कि जब मारना ही होता है चाकुओं से ही, तो फिर वो उसके कपड़े क्यों उतरवाती है। पता नहीं इनका कपड़े उतरवाने का क्या रिवाज रहता है, यही पिक्चर में समझ में नहीं आया आता है कि जब ये चाकू से मारती हैं तो ये नंगा क्यों करती है सबको। ऐसा भी हो सकता है ना कि इनके चाकू की धार कम हो इसलिए वो उसके कपड़े उतरवा देती है। डायरेक्ट ऐसे पहुंचेगा ना तब तो क्या चाकू की धार तेज करती है क्या? अब दूसरा ही सीन ले लीजिए। इसमें क्या है, समीर प्रताप डायन को खत्म करने के इरादे से जाने वाला होता है, तब महेंद्र प्रताप उसको तोहफे में एक ओम देते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है इतना बड़ा ओम ये पूरे टाइम अपने ऊपरी पॉकेट में लेके घूम रहे थे। गर्दनियों का क्या, बदबू हो गई होगी, अशुद्ध हो गया होगा। बगलों में रख के घूमते थे, पता नहीं एकदम अशुद्ध कर दिया उसको तो। अब देखिए इसमें जब ये डायन बनती हैं तो मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन मतलब देखिए जैसे लग रहा है कि ये पार्टी में जा रही थी और किसी गटर में गिर गई, इनके मुंह पे पूरी गंदगी चिपक गई है, आंखों में इनके फ्यूज बल्ब चिपक गए हैं, पता नहीं दिखता कैसे होगा इनको, और पता नहीं दांतों में ये क्या लगा के आई है कि जैसे कि यू यू करती रहती है बस, इतनी बार ट्राई करने के बाद भी कर क्या परेशानी है बेचारी को, उसको दिखाना चाहिए उसको अपने दांत। सही बात है, गटर में गिरी थी गंदगी तो लगती है। अब इस सीन में ये देख लीजिए, बच्ची को जंगल में अकेला छोड़ के पानी लेने चले गए, गाड़ी गर्म हो गई है। बताइए बच्ची को अकेला छोड़ के कोई जाता है, वो भी जंगल, वो भी बिना छत की गाड़ी, मतलब कोई शेर या कुछ भी आ जाए जंगल में वो कहेगा नहीं 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 ये तो गाड़ी में बैठी है, भले ही छत ना हो है तो गाड़ी ना मैं अपने जेठ के सामने इन्होंने अपनी साड़ी उतार के ही फांसी का फंदा बना लिया। गारी हो गई और जेठ ने मुंह भी नहीं फेरा, ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब इन्हीं को ही देख लीजिए सीन में, साहिला को, ये अभी अभी इंटर का एग्जाम दे के आई है, लगता है ये इंटर पास करी हुई लग रही है। आपको भी याद होगा कि आप जब इंटर में थे तो कैसे एकदम भिनके से दुबले पतले एकदम कुपोषित टाइप के लगते थे हम लोग, और इनको देख लीजिए कैसी लग रही है इंटर के बाद। कोई बात नहीं, हो सकता है कई बार एक ही क्लास में फेल हुई हो इसलिए ऐसी दिख रही है वो। इसे देख रहे हैं इस लड़के को, इन्होंने जरा सा बचा क्या लिया, साहिला ले गई इन्हें अपने घर, और ना सिर्फ घर ले गई इनको नौकरी भी दिलवा दी, और इनके ताऊ जी इनको रख भी लेते हैं और अपना बेटा भी बना लेते हैं, मतलब पता नहीं कैसे जो भी आया उसको घर में बिठा लिया, बेटा बना लिया, परिवार बना लिया। यास्मीन को ही देख लीजिए, लोग दरवाजा लगवाते हैं बाथरूम में इसलिए कि कोई देख ना ले, लेकिन ये ऐसी पहली महिला डायन है जो बाथरूम का दरवाजा खोल कर नहा रही है।
और गाने में इतनी मगन है कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि इनका नौकर रघु इनको देख रहा है। पूरी मूवी में आप देखिए एक रघु ही है जो बड़ा इंटरेस्टेड होके बहुत एंजॉय कर रहा है। पर ये एक नंबर का चुगलखोर था। चंदन नगर में कब कौन मरा, कैसे मरा, कहाँ मरा, सारी की सारी बातें इसको पता रहती थी और सब कुछ ये चुगली करने आ जाता था ठाकुर साहब के पास। आप सबको पता है इस सीन में रात है, रात देखिए एकदम धूप निकली हुई है और इनकी कार की हेडलाइट भी जल रही है। इस आदमी को ही देख लीजिए, उस डायन की खूबसूरती में ऐसा दीवाना हो गया है कि उसका पैर जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, वो देख रहा है लेकिन वो नीचे ही देख रहा है, कार चल रही है लेकिन वो सामने नहीं देख रहा है कार चलाते चलाते। अब सोचिए कार चलाते चलाते पहले ही गिर पड़े कहीं तो ये डायन के मारने से पहले ही मर जाएंगे। ये हम लोग का फेवरेट सीन है। यहाँ ये तोते को डराती रहती है, इनको कुछ नहीं मिलता है तो तोते को ही डराने पहुंच जाती है। ना सिर्फ ये डराती है बल्कि देखिए भंगड़ा भी करती है ये। यहाँ डॉक्टर देखिए जा रहा है उनके कमरे में। ओफो कितना पादा है इसने, मैं कैसे जाऊं अंदर। इतनी बदबू, इतनी बदबू कैसे हो सकती। ओहो इतना इतना पादा है लड़की ने, पूरे कमरे में धुआं भर गया इतनी पाद से। मैंने सोचा नहीं था ये डायन ऐसी निकलेगी, इतना पादा। ओहो ओ गॉड गॉड, जमीन देखो पाद से भरी हुई है, इतना पादा कि पाद लिक्विड और गैस पता नहीं क्या दोनों का मिक्सचर बन गई है। और D2H का पैसा देती नहीं है और टीवी खोल के बैठी हुई है। ओ मैं इसी के बारे में बात करने आया तो यहाँ चली आई बदबूदार लड़की। अरे गैस बंद गई, अरे सीधे में मैं जा रहा हूँ पीछे, पीछे कोई आना जाए। ओ गॉड, अरे ये कहाँ से आ गया, मेरी गैस रुकी हुई है। अरे मैं जा रहा हूँ उधर निकालने कोने में। मैं तो पा गई। Thanks for watching this video. अगर इस वीडियो की वजह से आपके चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट आई है तो इसे आगे जरूर शेयर करिएगा और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करिएगा, इसी तरीके की कोई धमाकेदार वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे जल्दी ही।